गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन साइकोलॉजी क्लास। एंड टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस अमंग एटीट्यूड, बिलीफ एंड वैल्यूज। क्या होता है कि कई बार ये जो तीनों टर्म है आपके, बिलीफ हो गया, एटीट्यूड हो गया और ये जो वैल्यूज हो गए, इनको क्या कर देते हैं लोग, सिमिलर वे में यूज करने लगते हैं। बट देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड बिलीफ एंड वैल्यूज। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन्स जब हम किसी व्यक्ति, प्लेस या ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी क्या रिएक्शन होता है। हम उसको पॉजिटिवली देखते हैं, उसको लाइक करते हैं या फिर डिसलाइक करते हैं, और क्या करते हैं कि या उसको क्या करते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं क्योंकि वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो इसमें हमारा जो कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस दोनों एस्पेक्ट्स आते हैं। हो सकता है कि एक पर्सन एक बैगर को देखकर हेट करे तो दूसरा पर्सन उस बैगर की हेल्प करना चाहे, तो ये क्या कहलाता है आपका एटीट्यूड। जो हमारे रिएक्शंस होते हैं किसी भी चीज़ को देखकर, किसी भी पर्सन को देखकर, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर, वो क्या कहलाते हैं आपके, एटीट्यूड कहलाते हैं। अब वैल्यूज़ क्या है? वैल्यूज़ आर एटीट्यूड्स और बिलीव्स डेट कंटेन अ शुड और ऑट एस्पेक्ट सच एज मोरल और एथिकल वैल्यूज। वन एग्जाम्पल ऑफ अ वैल्यू इज द आइडिया डेट वन शुड वर्क हार्ड और डेट वन शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट बिकॉज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वैल्यूज आर फॉर्म्ड व्हेन अ पर्टिकुलर बिलीफ और एटीट्यूड बिकम्स एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द पर्सन्स आउटलुक ऑन लाइफ। देखिए, वैल्यूज हमारी समझ है कि क्या सही है और क्या गलत है, हम अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, वो हमारी वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। कि मोरल वैल्यूज़ जो हो गई, जैसे लाइक कोई पर्सन होता है कि वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में पैसे को, मनी को प्रायोरिटी देता है, तो ऐसे लोग क्या करता है कि पैसे के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकता है। तो वो क्या है, उसकी वैल्यूज़ हैं, उसकी वैल्यूज़ क्या कह रही हैं, उसकी मॉरल वैल्यूज़ ये कह रही हैं कि पैसा सबसे बड़ी चीज़ है, उसके बाद हैं सारी चीज़ें। और किसी पर्सन के लिए क्या हो सकता है, उसके रिलेशंस हो सकते हैं कि वो आपस में रिलेशन बना के रखना चाहता है और पैसा उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो ये सब हमारी वैल्यूज़ होती हैं। अब बताती है आपकी बिलीफ की। बिलीफ क्या है? बिलीफ समथिंग यू एक्सेप्ट एज ट्रू, वॉट यू बिलीव, लाइक बिलीव इन गॉड। मतलब कोई भी चीज़ है जिसे आप क्या करते हो, सच मानते हो, वो क्या है आपका, बिलीव है। जैसे गॉड की एग्जिस्टेंस क्या है, ये बिलीफ ही तो है हमारा, ठीक है। तो इन तीनों में एक डिफरेंस है, जो लोग इनको सिमिलर वे में यूज़ करते हैं वो गलत है। ओके, सो वॉट इज़ द पर्पज सर्व्ड बाई एन एटीट्यूड? वी फाइंड दैट एटीट्यूड्स प्रोवाइड अ बैकग्राउंड दैट मेक्स इट ईजियर फॉर अ पर्सन टू डिसाइड हाउ टू एक्ट इन न्यू सिचुएशन। आप एटीट्यूड का पर्पज़ क्या है, क्या करता है वो किसी भी पर्सन के लिए? तो अभी तक हमने जो भी स्टडी की है प्रीवियस क्लासेस में, तो हमने देखा कि जो एटीट्यूड है वो क्या प्रोवाइड करता है, बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है। किसको? किसी भी पर्सन को, ये डिसाइड करने के लिए कि न्यू सिचुएशन में किस तरह से वर्क किया जाए। फॉर एग्जांपल, आर एटीट्यूड टुवर्ड्स फॉरेनर्स में इनडायरेक्टली प्रोवाइड अ मेंटल लेआउट और ब्लूप्रिंट फॉर द वे इन विच वी शुड बिहेव वेन एवर वी मीट वन। जैसे फॉरेनर्स के लिए हमारे माइंड में जो भी एटीट्यूड है, उससे क्या होता है कि जब हम कभी उनसे मिलते हैं तो उस ब्लू प्रिंट का जो हमारे माइंड में कंस्ट्रक्शन हो चुका होता है, उसके बेस पर हम क्या करते हैं, इजीली उनके साथ बिहेव कर पाते हैं। कि इन एडिशन टू द अफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड बिहेवियर कंपोनेंट्स, एटीट्यूड्स आल्सो हैव अदर प्रॉपर्टीज़। अभी हमने क्या करा था, ऊपर की साइड हमने पढ़े थे अफेक्टिव, कॉग्निटिव और बिहेवियर कंपोनेंट्स पढ़े थे एटीट्यूड के, बट देर आर सो मैनी अदर प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, लाइक फोर सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ एटीट्यूड्स आर वैलेंस और एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेंट्रलिटी। सो वॉट इज वैलेंस? वैलेंस पॉजिटिविटी और निगेटिविटी, ठीक है।
The valence of an attitude tells us whether an attitude is positive or negative towards the attitude object. ये जो valence है वो क्या show करता है कि जो हमारा attitude है किसी भी चीज़ को लेकर वो कैसा है, positive है या फिर negative है. Suppose an attitude said towards the nuclear research has to be expressed on a 5-point scale ranging from वन वेरी बैड टू बैड और न्यूट्रल, इस टाइप से इन्होंने दे दिए हैं, कैटेगरी दे दी हैं. तो उसमें क्या है कि अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल अपना जो पर्टिकुलर व्यू दे रहा है तो वो किस उस पर दे रहा है, मान लीजिए उसने 2 पर लगाया, तो इट मींस कि वो जो है न्यूक्लियर पावर के लिए कैसे निगेटिव एटीट्यूड रखता है. ठीक है, तो ये क्या है, हमारा जो वैलेंस है वो किस चीज़ को शो करता है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को, कि किसी भी चीज़ को लेकर हमारे जो व्यूज़ हैं वो कैसे हैं और हमारा जो परसेप्शन है वो कैसा है, एटीट्यूड हमारा कैसा है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है. The second is extremeness. The extremeness of an attitude indicates how positive or negative an attitude. Taking the nuclear research examples given above, a rating of 1 is as extreme as a rating of 5. They're only in the opposite direction valence. Rating of 2 and 4 are less extreme. A neutral attitude, of course, is lowest on extremeness. Extremeness ka kya hai ki koi bhi jo attitude hai, वो कितनी उसकी क्वांटिटी है, किस क्वांटिटी में हम वो शो कर रहे हैं. जैसे आपसे ये पूछा जाए कि जो आपका एटीट्यूड है वो न्यूक्लियर फैमिली को लेकर कैसा है, तो वहाँ पे क्या है, एक रेटिंग स्केल बना दिया जाए. ठीक है, कि वेरी बैड या बैड, तो वहाँ पर क्या है, एक्सट्रीमनेस आप शो कर सकते हो कि आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है या सिर्फ बुरा लगता है या फिर अच्छा लगता है या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. तो अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो उसकी एक्सट्रीमनेस कितनी है, और अगर आपका किसी पर्टिकुलर इवेंट को, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो वो उसकी एक्सट्रीमनेस कैसी है, तो उसको हम यहाँ पर ये जो पॉइंट स्केल बना दिए जाते हैं उसके बेस पर हम क्या करते हैं, जज करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी. दिस फीचर रेफर्स टू हाउ मैनी एटीट्यूड्स There are within a broader attitude. ये किस चीज़ को शो करती है कि ये जो फीचर है आपका एटीट्यूड का, वो कहती है कि कितने सारे एटीट्यूड एक एटीट्यूड में जुड़े हुए हैं, मल्टीप्लेक्सिटी है या नहीं है. थिंक ऑफ एन एटीट्यूड एज अ फैमिली कंटेनिंग सेवरल मेंबर एटीट्यूड्स इन केस ऑफ वेरियस टॉपिक्स सच एज हेल्थ एंड वर्ल्ड पीस. पीपल हेल्ड many attitudes instead of single attitude. जैसे यहाँ पर इन्होंने example दिया है कि एक family के अंदर बहुत सारे members होते हैं और सबके क्या होते हैं, different attitude होते हैं, और किसी भी एक topic पर जब उनके views पूछे जाते हैं, उनके attitude को measure किया जाता है, तो वो सबके अलग अलग निकलते हैं. ओके, an attitude system is said to be simple if it contain only one or a few attitude. अब जो आपका इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसा समझा जाता है, सिंपल समझा जाता है एटीट्यूड का, अगर उसमें एक या कुछ ही एटीट्यूड है. एंड कॉम्प्लेक्स इफ़ इट इज़ मेड ऑफ मैनी एटीट्यूड, लेकिन अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो इट मीन्स कि उसके अंदर बहुत सारे एटीट्यूड बने हुए होंगे. कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ एटीट्यूड टूवर्ड्स हेल्थ एंड वेल बींग. दिस एटीट्यूड सिस्टम इज़ लाइकली टू कंसिस्ट ऑफ सेवरल मेम्बर्स. Attitudes such as one's concept of physical and mental health, view about happiness and well-being, and beliefs about how one should achieve health and happiness. By contrast, the attitude towards a particular person is likely to consist of mainly one attitude. अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया कि किसी पर्सन के लिए अगर ये हेल्थ की बात की जाए तो कुछ लोग क्या कहेंगे कि मेंटल हेल्थ को भी उसके साथ इंक्लूड करेंगे. ठीक है, कुछ लोग क्या कहेंगे उसके लिए सिर्फ एक एटीट्यूड वहाँ पर देंगे. ठीक है, द मल्टीपल मेंबर एटीट्यूड्स विद इन एन एटीट्यूड सिस्टम शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द 3 कंपोनेंट्स डिस्क्राइब्ड अर्लियर. अब जो मल्टीपल मेंबर हैं, मल्टीपल मेंबर एटीट्यूड्स जिनके अंदर ये मल्टीपल एटीट्यूड होगा, वो क्या करेंगे विद इन एन एटीट्यूड सिस्टम, और जब एटीट्यूड सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो वहाँ पर वो कन्फ्यूज नहीं होंगे, और जो आपके 3 कंपोनेंट्स हैं जो भी हमने पहले डिस्क्राइब किए थे
उससे वो क्या करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे. ईच मेंबर एटीट्यूड डेट बिलोंग्स टू एन एटीट्यूड सिस्टम ऑल्सो हैज़ ए बी सी कंपोनेंट. और हर मेंबर का जो भी एटीट्यूड सिस्टम होगा उसमें ए बी सी कंपोनेंट आपके प्रेजेंट रहेंगे. ओके. सेंट्रलिटी, दिस रेफर टू द रोल ऑफ अ पर्टिकुलर एटीट्यूड इन द एटीट्यूड सिस्टम. एन एटीट्यूड विद ग्रेटर सेंट्रलिटी वुड इन्फ्लुएंस द अदर एटीट्यूड्स इन द सिस्टम मच मोर देन नॉन सेंट्रल एटीट्यूड्स वुड. इसमें क्या बताया है इन्होंने, जो सेंट्रलिटी है कि इसमें एक पर्टिकुलर एटीट्यूड होगा और उसका क्या है रोल, सबसे बड़ा होगा. ठीक है, जो आपका एटीट्यूड सिस्टम है उसमें एक पर्टिकुलर एटीट्यूड मिलेगा और उस पर्टिकुलर एटीट्यूड के बेस पर ही आपका जो पूरा एटीट्यूड सिस्टम है वो वर्क करेगा. लाइक इन्होंने एग्जांपल दिया है, इन द एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्ल्ड पीस अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हाई मिलिट्री एक्सपेंडिचर मे बी प्रेजेंट एज अ कोर और सेंट्रल एटीट्यूड दैट इन्फ्लुएंसेस ऑल अदर एटीट्यूड्स इन द मल्टीपल एटीट्यूड सिस्टम. लाइक आपका जो वर्ल्ड पीस है उसकी उसके लिए अगर किसी का वो देखा जाए तो वहाँ पर किसी भी पर्सन का अगर निगेटिव एटीट्यूड है तो वो किस में शो करेगा, जो हाई मिलिट्री एक्सपेंडिचर कंट्रीज़ करते हैं वहाँ पर उनके उस चीज़ के लिए उनका निगेटिव एटीट्यूड होगा. ओके, मे बी प्रेजेंट एज अ कोर और सेंट्रल एटीट्यूड. और ये किस तरह से प्रेजेंट रहेगा, आपका सेंट्रल एटीट्यूड के फॉर्म में आपके माइंड में एग्जिस्ट करेगा. डेट इन्फ्लुएंसेस ऑल अदर एटीट्यूड्स इन द मल्टीपल एटीट्यूड सिस्टम. और इसका इन्फ्लुएंस बाकी जो आपके एटीट्यूड्स हैं और जो आपका मल्टीपल एटीट्यूड सिस्टम है उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज. एटीट्यूड फॉर्मेशन, वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डेट साइकोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन आंसरिंग इज हाउ आर एटीट्यूड्स फॉर्म्ड. जो सबसे पहला जो साइकोलॉजिस्ट के माइंड में क्वेश्चन आता है वो क्या है कि एटीट्यूड कैसे फॉर्म होते हैं. लाइक मैनी अदर थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट्स दैट डेवलप एंड बिकम पार्ट ऑफ अवर कॉग्निटिव सिस्टम एटीट्यूड्स टुवर्ड्स डिफरेंट टॉपिक्स थिंग्स एंड पीपल आल्सो आर फॉर्म्ड एज वी इंटरेक्ट विद अदर्स. देखिए हर पर्सन का क्या होता है कि जो कॉग्निटिव प्रोसेस है उसका कॉग्निटिव सिस्टम है वो चल रहा है, डेवलप हो रहा है और उसके साथ हम लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, फॉर्म करती हैं हमारा जो एटीट्यूड है. हाउएवर देयर आर स्पेसिफिक कंडीशन दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक एटीट्यूड. बट जो हमारे स्पेसिफिक एटीट्यूड हैं उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिसके बेस पर वो डेवलप होते हैं. इन जनरल एटीट्यूड्स आर लर्नड थ्रू वंस ओन एक्सपीरियंसेस. जो आपके जनरल एटीट्यूड हैं वो कैसे सीखे जाते हैं, आपके अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर सीखे जाते हैं एंड थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स. और जब हम दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसके बेस पर भी हमारे जो जनरल एटीट्यूड हैं वो बनते हैं. लाइक लोगों के साथ हम मिल रहे हैं तो पता चल रहा है कि जो लोग हमारा जो एक एटीट्यूड है वो क्या बन जाएगा, कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो मन के साफ होते हैं, जो लोग कम बोलते हैं उनके मन की हम नहीं समझ सकते कि वो क्या है. तो ये क्या है कि लोगों के साथ जब हम इंटरेक्ट करा, हमने पांच लोग भी अगर हमारी लाइफ में ऐसे आ गए जो सेम तरह की क्वालिटीज़ रख रहे हैं तो वहाँ पर क्या एक हमारा एटीट्यूड बन जाएगा उनको लेकर. तो जो इंटरेक्ट करते हैं हम लोगों से उसके बेस पर भी हमारे जो जनरल एटीट्यूड हैं वो बनते हैं. देर आर अ फ्यू रिसर्च स्टडीज डेट शो सम सॉर्ट ऑफ इनबॉर्न एस्पेक्ट्स ऑफ एटीट्यूड्स बट सच जेनेटिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स ओनली इनडायरेक्टली. लेकिन कुछ जो आपकी रिसर्च की गई तो वहाँ पर जो कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी उन्होंने बताए हैं जिनके बेस पर आपका जो एटीट्यूड है उसका फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसका इफेक्ट आपका इनडायरेक्टली पड़ता है. ओके, देयरफॉर मोस्ट सोशल साइकोलॉजिस्ट हैव फोकस्ड ऑन द कंडीशंस विच लीड टू द लर्निंग ऑफ एटीट्यूड. आप उन्होंने क्या कहा है, जो कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ कंडीशंस बताई हैं जिसके बेस पर आप लर्न करते हैं एटीट्यूड को. द प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन, अब प्रोसेस की बात करते हैं कि क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस को फॉलो करके हमारा जो एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है. द प्रोसेस एंड कंडीशंस ऑफ लर्निंग मे बी डिफरेंट रिजल्टिंग इन वेरिंग एटीट्यूड्स अमंग पीपल. फर्स्ट इज लर्निंग एटीट्यूड्स बाई एसोसिएशन, मीन्स
जब हम एसोसिएट करके किसी दो ऑब्जेक्ट को, किसी दो सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को हम एसोसिएट कर देते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है, हम एटीट्यूड को लर्न कर लेते हैं. यू माइट हैव सीन दैट स्टूडेंट्स ऑफन डेवलप अ लाइकिंग फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द टीचर. जैसे अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर कोई टीचर है और वो अच्छा पढ़ा रहा है आपको, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो उसका सब्जेक्ट है उसको भी आप लाइक करना स्टार्ट कर दोगे, आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो जाएगा, ठीक है. दिस इज़ बिकॉज दे सी मैनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ इन दैट टीचर. और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जो स्टूडेंट्स हैं वो पॉजिटिव क्वालिटीज़ उस टीचर के अंदर देखते हैं. अब उस पॉजिटिव क्वालिटीज़ को वो किसके साथ लिंक कर देते हैं, उस सब्जेक्ट के साथ जो वो पर्टिकुलर टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है. दीज पॉजिटिव क्वालिटीज़ गेट लिंक्ड टू द सब्जेक्ट दैट शी और ही टीच एंड अल्टीमेटली गेट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइकिंग फॉर द सब्जेक्ट. और अल्टीमेटली उसका जो रिजल्ट आता है वो किस फॉर्म में आता है, कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपका डेवलप हुआ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर आपको अच्छा लगता है. इन अदर वर्ड्स, अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट इज लर्न थ्रू द पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट. सो वी कैन से दैट अ पॉजिटिव एटीट्यूड वो किस बेस पर डेवलप हुआ वहाँ पर, क्योंकि आपने पॉजिटिव एसोसिएशन बना लिया उस टीचर के बीच में और एक स्टूडेंट के बीच में. ओके okay?